तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा है जो कि इंडिया गेट को सैल्यूट कर रहे हैं। यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस और यहाँ पे इंडिया गेट। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सब मुझे तो जानते ही होंगे, मेरा नाम है पारस और आप हमारे चैनल पर आज जो ब्लॉग देख रहे हैं वो काफ़ी टाइम के बाद आया है, मतलब 2-3 महीने के बाद आज मैं फाइनली सही से ब्लॉग कर रहा हूँ, क्योंकि आज मैं आया हूँ दिल्ली। और दिल्ली ऐसे ही घूमने नहीं आया हूँ, दिल्ली में एक हमारा छोटा सा इवेंट है, छोटा सा नहीं वैसे तो बहुत बड़ा इवेंट है, आज तक इंडिया में किसी ने भी इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं करवाया है, जो कि महात्मा जी टेक्निकल बी मेक क्रिएटर के द्वारा कराया जा रहा है, क्रिएटर कार्निवल 2023 का। और इस इवेंट में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया जाएगा जो कि 5000 क्रिएटर यहाँ पर इकट्ठे किए जाएंगे, तो काफ़ी बड़ा काम है। और ब्लॉग को एंजॉय कीजिए, आज का ब्लॉग हम बस दिल्ली घुमाने वाले हैं, तो दिल्ली देखिए, बाकी अच्छा लगे तो लाइक करिए। तो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और दोस्तों, काफ़ी टाइम से ब्लॉग नहीं आ पाए लेकिन आज मैं आया हूँ फाइनली दिल्ली के लिए। तो अभी मैं दिल्ली के फेमस लाल किला पे आया हुआ हूँ, इधर घूम रहा हूँ, टहल रहा हूँ। तो दोस्तों, दिल्ली का लाल किला भी पहली बार देख रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ पर लगभग शाम के 5 बज गए हैं और शाम के 5 बजे मैं आया हूँ। तो अभी जाके मेन लोकेशन पे दिखाता हूँ जहाँ से प्रधानमंत्री जी भाषण देते हैं, और भी सारे जो भी भाषण होते हैं सब वहीं से ही दिए जाते हैं। तो मेन लोकेशन पे चलते हैं, वही आपको मैं दिखाता हूँ। और ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए चलते हैं आगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे फॉरेनर्स भी हमारा इंडिया का लाल किला देखने के लिए आए हैं। तो दिल्ली में आमतौर पर आपको बहुत सारे फॉरेनर्स देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि दिल्ली इंडिया की कैपिटल है, आपको भी पता है। तो कैपिटल में हर कोई आता है, क्योंकि जो भी यहाँ का मेन एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, तो सारे जो भी फॉरेनर्स हैं तो पहले दिल्ली आते हैं या मुंबई आते हैं, जो बड़े बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ पे लैंड करते हैं, उसके बाद ही आते हैं। तो अभी सबसे पहले तो अगर जो दिल्ली में घूमने आया है तो दिल्ली में भी कई सारी चीज़ें घूमने के लिए हैं, और लाल किला है, कुतुब मीनार है, और हुमायूं का मकबरा है, लोटस टेम्पल, अक्षरधाम मंदिर है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन कल हमारा एक इवेंट है, महात्मा जी टेक्निकल ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, क्योंकि क्रिएटर समिट है और उसमें हम जाने वाले हैं, वो भी इंदिरा गांधी स्टेडियम में लगा हुआ है। तो वहाँ जाएंगे, वहाँ का भी ब्लॉग लेके आएंगे, वो भी आप ज़रूर देखना। तो अभी तो आगे चलते हैं। तो यहाँ काफ़ी भीड़ उमड़ी हुई है, बहुत सारे लोग यहाँ पर लाल किला देखने के लिए आए हुए हैं, और पुलिस महोदय ऊपर सेवा कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी ऊपर चढ़कर भाषण देते हैं। बहुत सारे फॉरेनर्स हैं। तो ये है भाई फ्रंट लोकेशन, जो मेन लोकेशन है जहाँ से प्रधानमंत्री जी ऊपर खड़े होते हैं, भाषण देते हैं, जो जनता है इस पार्क में बैठती है। तो ये है मेन लोकेशन लाल किला की, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, बहुत बड़ा है, और काफ़ी सारे रूलर्स ने यहाँ पर शासन किया है, जो भी दिल्ली में राज्य करते थे सबसे पहले लाल किला को ही जीतते थे। तो इतना फेमस है यहाँ का हमारा दिल्ली का लाल किला। बाकी होप करता हूँ वीडियो आपके लिए अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपसे ऐसे ही मतलब कि और भी चीज़ों के साथ मिलेंगे, और भी चीज़ें आपको एक्सप्लोर कराऊंगा, क्योंकि दिल्ली में आया हूँ, बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा, शायद कोई इवेंट वगैरह होने वाला है यहाँ पे, पीछे तैयारी वगैरह चल रही है, बंद कर रखा है, तो इवेंट वगैरह होगा उसके लिए तैयारियाँ चल रही हैं। तो गाइस, ये है लाल किला, देख लीजिए, ये है लाल किला, देश की अनवान शान लाल किला। और यहाँ पे इवेंट है, जो वो इवेंट हो रहा है मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, 100 एपिसोड हो गए हैं मन की बात के, जो प्रधानमंत्री मोदी जी का एपिसोड आता है मन की बात, तो उसके 100 एपिसोड हो गए हैं, तो उसे सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ इवेंट हो रहा है, काफ़ी बड़ा रेडियो भी बनाया है यहाँ पे, दिखा देता हूँ, तो ये लगा है सेलिब्रेटिंग एपिसोड ऑफ मन की बात। तो दोस्तों, लाल किला तो आपने देख ही लिया, अब हम आए हैं इंडिया गेट दिखाने के लिए, और दिल्ली आए हैं, इंडिया गेट तो होके ही जाएंगे, क्योंकि भाई देश का गेट है जो कि इंडिया गेट है। तो
तो चलिए दिखाते हैं आपको इंडिया गेट। किराया लिया वो 150 रुपए का ऑटो ने लिया है, 4-5 लोग थे हम तो 150 रुपए का किराया लिया है। तो इधर पे देख सकते हैं काफी अच्छा व्यू भी आ रहा है और बहुत अच्छा नज़ारा भी आ रहा है। साथ में यहाँ पे शायद से अमर शहीद चौक कुछ इस टाइप का बना हुआ है और ये है इंडिया गेट। भीड़ बहुत ज़्यादा है, क्राउड बहुत ज़्यादा हो रखा है, बहुत ही ऊंचा गेट है क्योंकि इंडिया गेट है, बहुत ऊंचा गेट है। ये देख सकते हैं ये है इंडिया गेट फाइनली, इसे कहते हैं भाई देश का गेट। कैमरे की नज़र में तो बहुत छोटा लगता होगा लेकिन जब देखने आएंगे तो कम से कम मेरी अंदाज में 10-15 मंजिल से कम नहीं है, 10-15 मंजिला से कम नहीं है। तो ये है इंडिया गेट, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा भीड़ रखी है और देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है इंडिया गेट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा है जो कि इंडिया गेट को सैल्यूट कर रहे हैं। यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस और यहाँ पे इंडिया गेट जो सैल्यूट कर रहे हैं इंडिया गेट को। तो काफ़ी अच्छा व्यू यहाँ पे है, बाकी भीड़ देख सकते हो बहुत ज़्यादा ही है कुछ। और यहाँ पे चलते हैं आगे, दिखाता हूँ आपके लिए जो भीड़ वगैरह हो रखी है सब दिखाऊंगा। और बाकी इंडिया गेट तो आपने देख ही लिया होगा, नीचे इसके चलते हैं देखते हैं भाई कितना बड़ा है दरअसल में ये। तो गाइस जितने लोग शहीद हुए हैं उनके सबके नाम नेशनल म्यूजियम में लिखे हुए हैं, ये सारे नाम लिखे हुए चारों तरफ से अगर देखेंगे तो बहुत सारे नाम हैं, हजारों में हैं, हम लोग गिन भी नहीं सकते इन नामों को, देख सकते हैं। तो ये है नेशनल म्यूजियम के अंदर जो देखना चाहते हैं नेशनल म्यूजियम, बस जो शहीद हुए हैं उनके नाम लिखे जाएंगे और यहाँ पे परेड वगैरह होगी 6:30 बजे, वो देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर भीड़ देख सकते हो कितनी है भाई इंडिया गेट के पास में, बाकी लाइटें भी जलने लगी हैं ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद वो तो दिखता नहीं है, नीचे हरी। और ये है बड़ा सा इंडिया गेट, भीड़ तो देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा क्राउड है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। आगे राजपथ है शायद, इसके पक्का नहीं पता लेकिन शायद आगे राजपथ है, वो भी देखते हैं। तो ये रहा भाई इंडिया गेट, गेट ऑफ इंडिया, इंडिया गेट। फ्रेंड्स अभी हम आए हैं इंडिया गेट से सीपी मतलब सेंट्रल पार्क घूमने के लिए, और ये है सेंट्रल पार्क पूरा, स्टारबक्स भी है।